लिमिटेड रीच का क्या मतलब होता है स्नैपचैट पर, आपके अकाउंट पे स्क्रीनशॉट देख लो स्पॉटलाइट पे या स्टोरी पे, लिमिटेड रीच आ जाती है, मतलब आपकी रीच लिमिटेड होगी। दो चीज़ें बताने वाला हूँ, एक तो ध्यान से सुन लो कि अगर आपकी वीडियो पे कोई कॉपीराइट क्लेम या अकाउंट पे आ जाता है, कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक क्या होती है, क्लेम या वो चीज़ होती है, मान लो आप किसी और की चीज़ यूज़ कर रहे हो बिना परमिशन के, वो चाहे वीडियो पे आ सकता है, ऐसे आप मेरी वीडियो यूज़ करोगे कहीं भी करो मेरी बिना परमिशन के, तो मेरा वो अधिकार है, मैं आपको कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक दे सकता हूँ जिससे आपके अकाउंट पर इफ़ेक्ट पड़ता है, लिमिटेड रीच आती है। इसी तरह आप अपनी अगर स्नैपचैट के अंदर किसी और का म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो, तभी मैं कहता हूँ ना स्नैपचैट के जो अकाउंट है उसमें म्यूज़िक है वही यूज़ करो। अगर आप कहीं और से म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो या किसी मतलब किसी भी कंपनी का हो सकता है, कहीं बाहर से वीडियो उठा के डाल रहे हो, तो उस पे कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ सकता है, क्योंकि वो अगर बाय चांस किसी और का म्यूज़िक हुआ जो स्नैपचैट ने परचेज नहीं कर रखा, या हम कह सकते हैं जो स्नैपचैट के अंदर नहीं है, आप कहीं और से उठा के डाल रहे हो, तो उस पे लिमिटेड रीच आ सकती है। दूसरी चीज़, आपको कभी भी स्नैपचैट के अंदर वीडियोस में किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर वीडियोस डाल रहे हो उस पे आपको ऐसी फैसी चीज़ें प्रमोट नहीं करनी है, जैसे स्मोकिंग हो गया या नॉनवेज टाइप कुछ हो गया या मतलब ज़्यादा अडल्टली हो गया, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको प्रमोट नहीं करनी है, ऐसी वीडियोस कहीं से उठा के नहीं डालनी है या ऐसी बनानी भी नहीं है जिससे आपका स्नैपचैट अकाउंट में प्रॉब्लम हो जाएगी, उस पर क्लेम वगैरह स्ट्राइक आ जाएगी। अगर आप किसी और की वीडियो या साउंड यूज़ करते हो, अगर 5-6 बार आपकी स्नैपचैट अकाउंट पर कोई स्ट्राइक या क्लेम आ जाता है, मतलब किसी कंपनी द्वारा, क्योंकि आप किसी और का म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो, तो आपका अकाउंट स्नैपचैट द्वारा डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि चाहे आपका मिलियंस में फॉलोवर्स हो, वेरीफाई अकाउंट हो, अगर आप किसी और का अदर पार्टी का म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो बिना उसके परमिशन के, अगर बाई चांस क्लेम आ जाता है तो आपका अकाउंट डिलीट भी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्नैपचैट के जितने फीचर हैं वो यूज़ करो, स्नैपचैट के जो साउंड है उसी के अंदर स्नैपचैट के अंदर से यूज़ करो, क्योंकि वो सब साउंड का सब गानों का स्नैपचैट ने लाइसेंस लिया होगा, ठीक है, इसलिए उस पर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए और इनका स्क्रीनशॉट देखो, इन्होंने मुझे भेजा है, इन्होंने किसी और की ही वीडियो या जो भी कैसे भी एडिट करके डाल रखी है, इस पर स्नैपचैट व्यूज़ तो दे देगा स्टार्टिंग में सबको, अगर आप किसी और की वीडियो डालोगे ना नया अकाउंट बना के तो व्यूज़ दे देगा, क्योंकि स्नैपचैट चाहता है कि वहीं रुके रहें स्नैपचैट के पास, ठीक है, बाद में लेकिन क्रिस्टल नहीं मिलेंगे, व्यूज़ डाउन हो जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो लिमिटेड रीच का मतलब यही है, आप किसी और की वीडियोस या साउंड वगैरह यूज मत करो। इसका क्या सलूशन होगा, ठीक है, कैसे हम दोबारा अकाउंट को रिफ्रेश कर सकते हैं, इसका मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना है, स्क्रीनशॉट देख लो इंस्टाग्राम पे कितने लोगों के मैसेज आए हुए हैं, इनके आंसर्स देने हैं, रात को बैठ के इनको सलूशन या आंसर जो दे पाऊंगा वो दूंगा। तो आप भी इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करना, यहाँ पे वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो भी आपके क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।